नमस्कार, और फिर एक बार स्वागत है आपका राग परिचय में। आज हम देखने जा रहे हैं राग मधुकंस। पिछले हफ्ते हमने चंद्रकंस देखा था। मधुकंस जो है चंद्रकंस की मूर्छना है। इसका मतलब यह है कि अगर हम सा बदल दें तो वही स्वर दूसरा राग लेकर के सामने आते हैं। चंद्रकंस में पंचम नहीं है, मध्यम प्रधान राग है। हमने देखा था तानपुरा मध्यम में लगा हुआ था। अगर हम पंचम को षड्ज माने और चंद्रकंस के स्वरों को प्रयोग करें तो राग मधुकंस मिलेगा। इसका मतलब यह है, ये मेरा सा है, ये प है, सा ग म ध नी सा नी द म ग सा सा। लेकिन ये मेरा सा तो है नहीं, मेरा सा है सा। तो इन्हीं सुरों को जब हम सा के सप्तक में वापिस लाएंगे तो हमें राग मधुकोश मिलता है। तो मधुकंस के स्वर क्या हुए? हाँ, कोमल गंधार, तीव्र मध्यम, पंचम, निषाद, कोमल निषाद और तो देखते हैं मधुकंस का विस्तार कैसे होगा। तानपुरे में पंचम लगने से माहौल बदल जाता है। कोमल निषाद है, कोमल गंधार, कोमल गंधार और तीव्र मध्यम साथ में प्रयोग होने वाले राग बहुत कम है। उनमें से एक है मधुवंती। ये सागा मापा जो है, सागा माप, ये मधुवंती का पाठ है, इसीलिए इसको शायद मधुकंस कहा गया है। मधुवंत में ऋषभ भी है, यहाँ ऋषभ है नहीं। और फिर चर्च की तरफ सीधा सीधा चलन है।
पूरे सप्तक में इसका चलन देखते हैं। एक बंदिश सुनते हैं मधुकांश में। Thank you.
ये रहा चंद्रकंस ही का दूसरा रूप मधुकंस। अगले हफ्ते और एक बहुत प्यारा बहुत लोकप्रिय राग देखते हैं, राग जोग कंस।